हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है बोटॉक्स मास्क, मिरेकल बोटॉक्स मास्क, जो हमारी स्किन से झुर्रियाँ ख़त्म करेगा, जाइयाँ ख़त्म करेगा, रिंकल्स ख़त्म करेगा, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ख़त्म करेगा। इन सब को रिमूव करने के लिए हमारे पास आज की मेरी होम रेमेडी है बोटॉक्स मास्क। ये बोटॉक्स मास्क उनके लिए है जो एजिड लोग हैं और जो यंग लोग हैं, जो कॉलेज गोइंग हैं, जो वर्कर वुमेन्स हैं, उन सब के लिए। जो यंग लड़के लड़कियां हैं उनके लिए, उनके स्किन पे एक्ने हो जाती है सन लाइट की वजह से, या धूल मिट्टी जो जाते हुए आते हुए उनको लगती है उनकी वजह से, और जो एजिड लोग हैं जिनके चेहरे पे इस तरह की पिगमेंटेशन है, इस तरह के रिंकल्स हैं, तो इन सब को रिमूव करने के लिए आज मैं लाई हूँ बोटॉक्स मास्क। ये मास्क आपकी ये लाइंस ख़त्म करेगा, आपके ऐसे जो हैंड हो गए हैं हाथ आपके, इन हाथों को आपको अच्छा करेगा। आपकी ये जो लाइंस पड़ती हैं आपके फेस पे, मुंह के इर्द गिर्द, इनको ख़त्म करेगा, और इस तरह की लाइंस इनको ख़त्म करेगा। ये 7 जो है इनके तरीके हैं लाइंस के, और ये आपको आपके ख़त्म करेगा, और आपके फेस पे इस तरह के दाने, इस तरह के पिगमेंटेशन, इस तरह के ब्लैक एंड वाइट हेड्स, इन सब को ये ख़त्म करेगा बोटॉक्स मास्क। ये बहुत ही अफेक्टिव है आप सब के लिए। मेरी ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे कितने दिनों से फरमाइश की थी कि मैं बोटॉक्स मास्क बनाना सिखाऊँ। अच्छा, ये बताते चलूँ कि बोटॉक्स मास्क एक चीज़ से नहीं बनता। जो ये मैंने चीज़ें यहाँ पे मुझे दरकार हुई हैं, इन चीज़ों के अलावा भी बनता है। जस्ट सिर्फ यही चीज़ें नहीं हैं जो हमारे बोटॉक्स मास्क बनने में काम आती हैं। आगे चल के मैं आपको और भी बोटॉक्स मास्क बनाना सिखाऊंगी, लेकिन फर्स्ट नंबर पे हमारा ये बोटॉक्स मास्क है। इसके लिए मुझे चाहिए ये 4 चीज़ें: चावल का आटा, दही, चावल का आटा 2 चम्मच, दही 2 चम्मच, अंडा 1 अदद और लेमन 1 अदद। यहाँ पे मैं 2 चम्मच चावल के आटे के लूँगी और अंडे की जर्दी लूँगी। मुझे अंडे की जर्दी चाहिए, अंडे की जर्दी से मैं बोटॉक्स मास्क बनाऊँगी। लेकिन हाँ, अंडे की सफ़ेदी जो है उसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, उससे भी मैं बोटॉक्स मास्क बनाऊँगी। जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें बोटॉक्स मास्क बनेगा अंडे की सफ़ेदी से, और आज मुझे ज़रूरत है अंडे की जर्दी की। तो अंडे की जर्दी से मैं बोटॉक्स मास्क बना रही हूँ, जो आप एक दफ़ा लगाएंगे तो भी आपको फ़र्क नज़र आएगा, और जो आप 2 दफ़ा लगाएंगे तो भी आपको फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन आपको ये 1 महीना 2 महीना लगाना ही है। तब आपकी लाइंस, आपके रिंकल्स, आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड, पिगमेंटेशन, ये सारी आपकी रिमूव हो जाएगी। 1 दफ़ा लगाने से आपके चेहरे पे शाइनिंग आएगी। जब शाइनिंग आएगी, ग्लोइंग आएगी, तो आप समझ जाइएगा कि आपको ये बोटॉक्स मास्क सूट कर रहा है। यहाँ पे मैंने अंडे की जर्दी ले ली है और उसको मैंने इतना फेंटना है कि वो बिल्कुल क्रीम सा बन जाए। उसमें मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच चावल का आटा। अब चावल का आटा जब मैं इसमें ऐड करूँगी तो ये बिल्कुल एक थिक सा मिक्सचर बनेगा, तो उस थिकनेस को हमें हटाना है योगर्ट ऐड करके। जब ये थिक सा बन जाए और आपको लगे कि ये अभी मिक्स नहीं होने वाला, तो आप इसमें योगर्ट ऐड कीजिएगा। लेकिन एक बात याद ज़रूर रखिएगा कि जो जो चीज़ें मैं जब इस्तेमाल कर रही हूँ, जब ऐड कर रही हूँ, वैसे ही आपको भी ऐड करनी है। बिल्कुल इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसमें योगर्ट मिलाएंगे। योगर्ट मिलाने के बाद ये बिल्कुल क्रीम सा लिक्विड बन जाएगा। तो ये आप देखिए, ये मैं योगर्ट इसमें ऐड कर रही हूँ और ये बिल्कुल क्रीम सा हमें बनाना है। अच्छा, लेमन के लिए मैं बताती चलूँ, लेमन बहुत ही कारामंद है, बहुत ही अफेक्ट है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे नेल्स के लिए और हमारे कलर कॉम्बिनेशन के लिए। लेकिन अगर आपको लेमन फेस पे सूट करता है तो आप इसमें 1/2 लेमन ऐड कीजिएगा। अगर नहीं सूट करता
तो फिर इसको स्किप कीजिए। मेरे फेस पे लेमन सूट नहीं करता, इसलिए मैंने सिर्फ लेमन रखा है रेमेडी बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए। मैं लेमन ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये रेमेडी मैं खुद अप्लाई करूँगी, खुद पे अपने फेस पे और अपने घर वालों को भी अप्लाई करूँगी, इसलिए इसमें मैं लेमन नहीं ऐड कर रही। लेकिन जिन जिन लोगों पे सूट करता है लेमन, तो वो स्किप ना करें, उनको लेमन ऐड करना चाहिए। इसमें हाफ लेमन ऐड कीजिए। अच्छा, ये अगर एक फेस के लिए बनाना है तो ये 3 दफ़ा 2 दफ़ा अप्लाई करें अपने फेस पे, और अगर 2-3 बंदों के लिए बनाना है तो 1 ही दफ़ा ये अप्लाई होगा। इसकी क्वांटिटी इतनी होती है कि ये 3 फेस पे अप्लाई हो सकता है। एक उसकी हमें जर्दी लेनी है, 2 चम्मच दही लेने हैं, 2 चम्मच चावल का आटा लेना है। चावल का आटा अगर आपके पास स्पून बड़ा है तो आप 1 स्पून ऐड कीजिए, अगर छोटे स्पून हैं तो आप 2 स्पून ऐड कीजिए, और इसको इस तरह से मिक्स कीजिए। इतना मिक्स कीजिए कि ये बिल्कुल क्रीम सा लगे। जो आप ब्रश से जब अप्लाई करें अपने फेस पे, तो उस ब्रश की मदद से ये आपके फेस पे लग जाए। इतना आप इसको मिक्स कीजिए, और बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स होगा तो आपके फेस पे अच्छे से ये लग जाएगा। और इसका फ़ायदा, इसकी जो ग्लोइंग देखेंगे जो आपके फेस पे आएगी, और इसकी जो चमक देखेंगे, इसकी जो वाइटनिंग देखेंगे आपके फेस पे आएगी, तो आप खुद इसको डेली यूज़ करेंगे या हफ्ते में 2 बार यूज़ करेंगे, हफ्ते में 3 बार यूज़ करेंगे। लेकिन मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार लाजमी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ही सूट आया है, मेरे फेस पे बहुत सूट करता है, और मेरे घर में भी यही सब यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने फेस पे। और बहुत ही अच्छी रेमेडी है, होम रेमेडी। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और जो मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं, तो मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरी इस होम रेमेडी के मुताबिक है मेरे इनबॉक्स में मुझे कमेंट्स करें और बताएं कि मुझे आपको ये रेमेडी कैसी लगी, और मुझे इस रेमेडी में क्या चेंजेस करने चाहिए, और क्या आपको और क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, कौन सी वीडियो आपको चाहिए, तो वो मैं वीडियो आपको बना के, वो रेमेडी आपको बना के और आपको दिखाऊं, ताकि आपको इजीली हर चीज़ घर बैठे हर चीज़ आप बना सकें। कोई मुश्किल नहीं है, कोई ये नहीं, परेशानी की बात नहीं है। आप पार्लर का काम ना भी आता है आपको, आप अपने फेस को इतना खूबसूरत बना सकते हैं घर बैठे घर की चीज़ों से। ना आपको पार्लर जाने की ज़रूरत है, ना आपको खर्चा करने की ज़रूरत है, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें आपको घर में अवेलेबल आपके होंगी, तो आप ये चीज़ें बना के खुद को खूबसूरत दिखा सकते हैं। अच्छा, इस रेमेडी का, इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ये तरीका है। अगर आप ब्रश की मदद से अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, तो अपर साइड आपको अप्लाई करना है, अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।